हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट नंबर 3। ऑलरेडी गाइज, इसके पहले हम लोगों ने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 अच्छे से पूरा पढ़ लिया है। पार्ट नंबर 1 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि थर्मोडायनेमिक का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये समझा था। पार्ट नंबर 2 में हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में समझा था और सिस्टम क्या होता है ये सब अच्छे से समझा था। सो सेकंड पार्ट आज की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ऑलरेडी ये सारी चीजें अपलोडेड हैं, केमिस्ट्री के भी सारे चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और चैप्टर नंबर 10, 11, 12, ये सभी अपलोडेड हैं, जाओ और देखो उन्हें। और ऐसी बायोलॉजी के भी सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, तो उन्हें भी जाओ और वॉच करो, ओके। मैथमेटिक्स के भी चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटेड एंड चैप्टर नंबर 1 लॉजिक भी कंप्लीटेड, ओके। तो ये सारे चैप्टर्स जाओ और देखो, और कंटिन्यूसली सारे वीडियोज आते रहेंगे, डोंट वरी। सो आप देख रहे हो फिजिक्स और चैनल का नाम है न्यू इंडियन एरा, ओके गाइस। सो इसे शेयर, इस वीडियो को जरूर करना सभी लोगों को। नोट्स चाहिए होगा तो टेलीग्राम में जाओ और न्यू इंडियन एरा सर्च करो, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप मुझसे यहां भी कांटेक्ट कर सकते हो, डोंट वरी, ओके। और यहां भी कांटेक्ट कर सकते हो, कहीं से भी नोट्स, डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, ओके। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वाले सेशन की तरफ, नेक्स्ट वाली स्लाइड में। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा समझते हैं सिस्टम का, ओके। एग्जैक्टली भाई सिस्टम क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। देखो, इसके पहले वाली वीडियो में हमने वो भी देखा था, ठीक है। तो देखो मान लो आपके सामने ये एक बॉडी है, ये एक आपके सामने कोई भी एक बॉडी है, ओके। और इस बॉडी के अंदर यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो सिस्टम होती है, इनक्लोज्ड चीजें होती है। ये इसकी होती है बाउंड्री, ये हमने कल के इसके पहले वाले सेशन में देखा था बाउंड्री। ये अंदर वाला क्या होता है, ये होता है सिस्टम, ठीक है। और सिस्टम और बाउंड्री के बाहर जो है ये क्या होता है, सराउंडिंग यानी इन्वायरमेंट। ये सारी चीजें हमने अच्छे से देखी थी, ओके। चलो, तो हम कब कहेंगे, देखो अभी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होती है, टोटल मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है उसे हम टोटल एनर्जी कहते हैं या फिर इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इंटरनल एनर्जी को हम यू से दिखाते हैं, ठीक है। और जो भी अमाउंट ऑफ हीट हम देते हैं उसे क्यू से दिखाते हैं, ठीक है। सिस्टम के अंदर जो भी हम हीट डालते हैं उसे क्यू से, और जो सिस्टम की एनर्जी उसे यू या डेल्टा यू से दिखाती है, ठीक है। सिस्टम के अंदर हम एनर्जी कैसे दे सकते हैं, एक तरीका है वर्क के थ्रू, एक तरीका है हीट के थ्रू, ठीक है, हीटिंग द सिस्टम। तो जब हम लोग सिस्टम को हीट करते हैं तो सिस्टम के अंदर एनर्जी जाती है, तो हम कहेंगे कि सिस्टम के अंदर जो एनर्जी जा रही है वो कैसी है, पॉजिटिव एनर्जी है। और जब सिस्टम में से बाहर एनर्जी आएगी तो जो एनर्जी आएगी हम कहेंगे वो निगेटिव एनर्जी है। मान लो जो एनर्जी सिस्टम के अंदर गई तो वो पॉजिटिव है, और जो बाहर आई वो कैसी है, निगेटिव है, ठीक है। और ये अंदर जा रही मतलब पॉजिटिव है, हमको फोकस सिस्टम में रखना है, ठीक है। अगर सिस्टम के अंदर कोई आ रहा है मतलब वो उसके लिए पॉजिटिव है, और सिस्टम से जा रहा है मतलब वो निगेटिव है। ये एनर्जी का काम हो गया। और वर्क की बात करूं, जब सिस्टम, अब थोड़ा यहां पर कंफ्यूजन हो जाओगे, थोड़ा अच्छे समझना, जब अपना सिस्टम काम करेगा, जब अपना सिस्टम वर्क परफॉर्म करेगा तो ध्यान देना, तो हम उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्क। और जब सिस्टम के ऊपर कोई दूसरा काम करेगा, मतलब कोई पिस्टन वगैरह से लेके आप उसके सिस्टम के ऊपर काम करवा रहे हो, किसी दूसरे चीज से सिस्टम में काम करवा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्क, बिकॉज हम सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। और अगर सिस्टम खुद काम करे किसी के ऊपर तो वो क्या कहेगा, पॉजिटिव वर्क रहेगा। तो एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, हमने इसके पहले देखा था कि अगर सिस्टम अपना काम करता है तो वह एनर्जी लॉस करता है। क्या लॉस करता है, एनर्जी लॉस करेगा। क्या करेगा, वो एनर्जी लॉस करेगा। और जब वो एनर्जी लॉस करेगा मतलब वो एनर्जी कैसी रहेगी, निगेटिव, यानी कि यू क्या रहेगा, इंटरनल एनर्जी अपनी निगेटिव हो जाएगी। तो एक बात को ध्यान रखना, जब कभी भी वर्क पॉजिटिव होता है तो अपनी इंटरनल एनर्जी सिस्टम की क्या होती है, निगेटिव होती है। और जब कोई भी चीज वर्क सिस्टम पे कोई करता है, जब सिस्टम पे हम कोई वर्क परफॉर्म करेंगे तो वो जो वर्क होगा वो तो निगेटिव होगा, बट हम लोग इनडायरेक्टली वर्क के साथ क्या कर रहे हैं, एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को। और जब हम सिस्टम को एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव। तो हम क्या रहेंगे उसके बाद, वहां पर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। समझा कि नहीं, तो ये बात अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो अगर अपना सिस्टम वर्क करता है तो एनर्जी तो लूज करेगा ही, और एनर्जी लूज करेगा तो वो निगेटिव होगा। और अगर हम खुद सिस्टम पे काम करते हैं तो वर्क तो निगेटिव होगा लेकिन एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि हम हीट दे रहे हैं ना, एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम को, हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही कॉन्सेप्ट से आज हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो यहाँ पे थोड़ा पिस्टन से अच्छे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो अंदर क्या है, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं,
और ये क्या है अपना पिस्टन है। ऐसे यहाँ पर भी अंदर गैस के मॉलिक्यूल है और अंदर क्या है यहाँ पे पिस्टन है। ओके चलो अब इसी चीज को हमको अच्छे से समझना है। ओके गाइस चलो तो पहले केस में क्या हो रहा है, इन केस वन इसमें क्या हो रहा है ये समझना अच्छे से। ओके क्या हो रहा है कि जो गैस के मॉलिक्यूल है, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, वर्क परफॉर्म कर रहे हैं ऑन द वॉल ऑफ पिस्टन। ये जो पिस्टन है ना, ये पिस्टन ठीक है, और ये पूरा सिलेंडर की एक पूरी वॉल है ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे सिलेंड्रिकल एक वॉल है और इसमें यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है। अब आप इमेजिन कर सकते हो क्योंकि इतनी अच्छी डायग्राम है, अब इसमें भी नहीं समझ पाओगे तो फिर क्या कह सकता हूँ यार, ट्वेल्थ में हो तुम लोग ठीक है। तो जब हम लोग गैस के मॉलिक्यूल्स है, जो ये गैस के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, फोर्स लगाएंगे किसमें, इस पिस्टन में, और पिस्टन क्या होगा, मूव करेगा बाहर की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो वर्क परफॉर्म हुआ है, वर्क कैसा है, पॉजिटिव वर्क है। और जब पॉजिटिव वर्क है यानी कि अपनी गैस ने वर्क परफॉर्म किया है ना, यानी कि एनर्जी किसमें जा रही, पिस्टन में एनर्जी अपनी जा रही है। तो जब पिस्टन में एनर्जी जा रही है यानी सिस्टम से एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो जो क्यू होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। समझा कि नहीं, तो इसीलिए बार बार याद रखना क्योंकि अपना यहाँ पे गैस जो है सिस्टम है, ये पूरा ये गैस, ये पूरा सिस्टम है और सिस्टम वर्क कर रहा है पिस्टन के ऊपर, यानी कि एनर्जी लॉस कर रहा है अपना सिस्टम। और जब सिस्टम एनर्जी लॉस करता है तो एनर्जी कैसी होती है, निगेटिव। बट अपना सिस्टम काम कर रहा है इसके लिए वो पॉजिटिव रहेगा। बट सेम कंडीशन में अगर ये बात करूं, अब हम लोग यहाँ पे पिस्टन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, जब हम लोग पिस्टन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो जो गैस मॉलिक्यूल है, अब गैस मॉलिक्यूल अंदर की तरफ जाएगा और कंप्रेस हो जाएगी गैस मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, कंप्रेस ठीक है। ये बात को अच्छे से थोड़ा ध्यान दो, जो गैस के मॉलिक्यूल है वो कंप्रेस हो जाएंगे और उनका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज हम बाहर से पिस्टन में फोर्स लगा रहे हैं। तो अंदर का जो यहाँ पे गैस का मॉलिक्यूल है, ये गैस का मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे के सारे इनका वॉल्यूम यानी जो जगह है कंटेनर की वो कम हो जाएगी। तो जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। वॉल्यूम कब होगा, जब हम लोग अपने पिस्टन पे फोर्स बाहर से लगाएंगे, यानी अब हम सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, हम सिस्टम में काम कर रहे हैं। समझा कि नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क जो होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, बिकॉज हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं। अगर सिस्टम हमारा काम करता तो पॉजिटिव होता, हम सिस्टम के ऊपर ही प्रायोरिटी रखेंगे, याद रखना अच्छे से। यहाँ तो वर्क यहाँ पे निगेटिव है, बट जो एनर्जी है, तो अगर एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पे फोकस रखना क्योंकि हम वर्क सिस्टम में परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव ठीक है। बट जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा क्योंकि हम पिस्टन से काम कर रहे थे। और यहां पे क्या हो रहा था कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था क्योंकि गैस एक्सपांड हो रही थी, क्योंकि अगर जब गैस खुद काम करेगी, खुद वर्क परफॉर्म करेगी तो गैस एक्सपांड होगी ना, और तभी तो एक्सपांड होकर गैस इस पिस्टन के ऊपर अपना फोर्स लगा रही थी। तो गैस जब एक्सपांड होती है तो इस कंडीशन में जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है वॉल्यूम। तो यहां पे वॉल्यूम क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, बट यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे याद रखो, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज ठीक है, क्योंकि हम पिस्टन से काम करवा रहे हैं। ये बात अच्छे से याद रखना, अब और मजा आएगा आपको सारी चीजों को समझने में। तो अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ठीक है। जीरो लॉ तो हमने पढ़ लिया है, जीरोथ लॉ, अब हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ठीक है। तो फर्स्ट लॉ है ये थर्मोडायनेमिक्स का, अब ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स होता है, ये रिलेशन देता है हीट एंड वर्क का, यही जो अभी हमने बताया कि कौन वर्क परफॉर्म करेगा तो क्या होगा, यही रिलेशन देता है ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो गाइज अभी मैंने आपको बता दिया है, कभी भी क्वेश्चन जब आएगा ना तो यही आपको देखना है कि कौन वर्क कर रहा है, अपना सिस्टम वर्क कर रहा है या फिर सिस्टम में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है। तो इस चीज को थोड़ा समझ के रखना अच्छे से ठीक है। और हीट कहाँ जा रही है, सिस्टम के अंदर आ रही है, सिस्टम से बाहर जा रही है, उस हिसाब से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ओके। तो इस चीज को थोड़ा याद रखो। अब मान लो यहाँ पे वही सिलेंडर है, यहाँ पे देखो ये पिस्टन है ठीक है, और यहाँ अंदर गैस है। यहाँ पे कंडीशन याद रखना कि अपना गैस वर्क परफॉर्म कर रहा है ऑन द पिस्टन, और जब गैस अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है तो क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी, बट वर्क कैसा रहेगा, वर्क अपना कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज अपना सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रहा है ऑन दी अपना ऑन दी पिस्टन ठीक है। और जब अपनी गैसेस एक्सपांड होंगी, क्योंकि अब ये काम करेंगी ना, वर्क करेंगी ऑन दी पिस्टन बाय सम फोर्स, तो फोर्स क्या होगा, पी ए, क्योंकि पी इजिकल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, पी इंटू ए, पी क्या है, प्रेशर, और ए क्या है, एरिया, यानी कि कितने अमाउंट ऑफ एरिया में हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वही होता है प्रेशर ठीक है। तो ये जो पिस्टन का एक एरिया है ये ए, इस एरिया में हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं
वही अपना होगा प्रेशर। तो यहां से अपने को फोर्स मिल जाएगा कि गैस के मॉलिक्यूल कितना फोर्स लगा रहे हैं ऑन दी पिस्टन की वॉल में, और जब पिस्टन पे फोर्स लगेगा तो वो थोड़ा आगे की तरफ ऐसा डिस्प्लेस भी होगा, तो वो सम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस जो होगा dx मान लिया हमने, और ये सिस्टम है ये, तो वही चीज को यहाँ पे लिखा है। मान लो ये, और ये जो पिस्टन है ना इसके बारे में थोड़ा जान लो, ये पिस्टन मासलेस होता है, इसका कोई मास नहीं होगा, कंसिडर किया है हमने ऐसा, ये मूवेबल होगा और फ्रिक्शन लेस होगा, यानी कि इसका कोई ना तो मास है ना ही ये फ्रिक्शन, और ना ही इसके पास कोई मतलब ऐसा है कि स्टैटिक भी नहीं है, मूव कर सकता है और ये फ्रिक्शन लेस है, ऐसा पिस्टन ही। ओके, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। और जो सिस्टम का वॉल्यूम है वो इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। अगर हम पिस्टन को अंदर की तरफ लेके आएंगे तो अपना वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अगर अपना सिस्टम काम कर रहा है पिस्टन पे तो सिस्टम ये पिस्टन दूर जाएगा और अंदर का जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज होगा। तो ये चीज को याद रखना। ए क्या है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सिलेंडर के बीच में और पिस्टन के बीच में। अब मान लो यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे ये जो छोटा सा एरिया है इसको हम एरिया कहते हैं ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया। पी क्या है, प्रेशर है जो कि अपनी गैस लगा रही है अंदर का जो सिस्टम है ना, सिस्टम ये जो अंदर का यहाँ पे सिस्टम है, ये जो सिस्टम है ये सिस्टम क्या कर रहा है, यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल इसे सिस्टम कहते हैं, ये सिस्टम क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, किस में फोर्स अप्लाई कर रहा है, अपने इस जो पिस्टन है इसमें, तो यहाँ पे कुछ तो प्रेशर भी लगा रहा होगा ना, तो वो प्रेशर है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, हम एक ऐसे कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं कि जिसमें अपना गैस मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑन दी पिस्टन, इस बात को ध्यान रखो। वो फोर्स कितना है, एफ इक्वल टू पी ए, ये तो आपको पता ही है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल वर्क क्या होता है, तो वर्क का फॉर्मूला हमने काइनेटिक एनर्जी में दिखा था, पी इंटू वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम होगा उतना भाई कितने वॉल्यूम में लग रहा है, और यहाँ पे प्रेशर कितना है वही वर्क है। तो dW इज इक्वल टू पी डीवी, ऐसा हो जाएगा। dV क्या है, एक छोटा सा यहाँ पे अपना वॉल्यूम है। dW क्या है, वर्क डन बाय फोर्स F। dx क्या है, डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है वो डिस्टेंस हो जाएगा dx। ओके, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। चलो अगर मान लो कि vi और vf, अब यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इनिशियली जब अपना पिस्टन पे कोई काम नहीं हो रहा था, यानी कि अपना जो वर्क था, यानी जो अपना सिस्टम था वो कोई काम कर ही नहीं रहा था, तो क्या होगा, तो उस टाइम पे वॉल्यूम कुछ ना कुछ इनिशियली रहा होगा, तो उसे हमने वी आई मान लिया। बट जब यहां से अपना अंदर का सिस्टम काम परफॉर्म करेगा, वर्क परफॉर्म करेगा, तो ये जो अंदर का यहाँ पे पिस्टन है ये दूर जाएगा बाय सम डिस्टेंस dx, तो फिर इसका जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो उसे हमने मान लिया vf। यानी कि vi क्या है, इनिशियली वॉल्यूम क्या था, और vf क्या है, फाइनल वॉल्यूम क्या था, ठीक है। तो अभी हम लोग टोटल वर्क की जब बात करते हैं तो हम इंटीग्रेशन देखते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना होगा, अभी देखो इनिशियली वॉल्यूम जो था उसके लिए वर्क डन dw था, बट अभी जब वॉल्यूम बढ़ गया तो वर्क भी बढ़ेगा ना, या फिर वर्क इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, तो फिर कितना होगा, तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन देख रहे हैं अभी। इंटीग्रेशन ये आप लोग मैथ्स 2 में पढ़ोगे। तो vf देखो, vi से लेके vf तक के बीच में जो वॉल्यूम है, यानी पहले मान लो 10 था, अब बढ़ के 15 हो गया, तो इसके बीच का जो 5 डिस्टेंस है, इसके बीच में कितना वर्क हुआ, ये 5 को अचीव करने में कितना वर्क किया, मतलब 10 वॉल्यूम से लेके 15 वॉल्यूम तक अपना वैल्यू इंक्रीज किया है गैस ने, वर्क परफॉर्म करके ऑन द पिस्टन, पिस्टन को ढकेल के अपनी गैसेस ने क्या किया, वर्क परफॉर्म किया और अपने वॉल्यूम को इंक्रीज किया है बाय सम फैक्टर 5 नंबर से मान लो इंक्रीज किया है सपोज। ओके, तो उस उतने वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए उसे कितना वर्क परफॉर्म करना पड़ा, तो वही फाइंड किया, इनिशियल से फाइनल में जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और dv क्या होता है, चेंज होता है, तो यहाँ पे vf माइनस vi लगा दो और यही अपना क्या होगा, टोटल वर्क होगा, ठीक है। मतलब वॉल्यूम को चेंज करने के लिए टोटल वर्क कितना लगा, पी वी एफ माइनस वी आई, वेयर वी एफ इज द फाइनल वॉल्यूम, वी आई इज द इनिशियल वॉल्यूम, पी इज द प्रेशर अप्लाइड बाय द गैसेस ऑन द वॉल ऑफ पिस्टन। ओके, इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। चलो अभी अगला कंसेप्ट यहां पे देखते हैं। अगर मान लो अपना सिस्टम कोई काम ही ना करे, मतलब अपना सिस्टम कोई काम नहीं कर रहा है, अब यहाँ पे लॉजिकल आपको सोचना है, थिंकिंग पावर इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मान लो अपना सिस्टम कोई काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब जो सिस्टम है वो वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा है, इस बात पे थोड़ा फोकस रखना चाहिए, तो क्या होगा, तो जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो उतनी ही रहेगी जितना कि हीट हम लोग उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं।
थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट अभी समझना आपको, ठीक है। चलो तो अभी आप वर्क वॉल्यूम के ऊपर सारी चीजें समझ चुके हो, बस थोड़ा सा और आगे हम लोग पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो यहां तक का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। चलो सिस्टम डजंट डू एनीथिंग, यहां पे ध्यान देना, मतलब कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो डेल्टा यू जो होगा अंदर की जो इंटरनल एनर्जी है, जब कोई काम ही नहीं कर रहा है अपना सिस्टम, तो इसका मतलब यह हुआ कि सिस्टम से एनर्जी तो लॉस नहीं होगी, सिस्टम से एक पाई एनर्जी भी बाहर नहीं जाएगी, सिस्टम में उल्टा एनर्जी आएगी अगर आएगी तो, बट सिस्टम से बाहर एनर्जी नहीं जाएगी। तो जब सिस्टम से एनर्जी जाएगी नहीं, यानी सिस्टम लॉस नहीं करेगा एनर्जी, बिकॉज वर्क ही परफॉर्म नहीं कर रहा है सिस्टम, तो एनर्जी कैसे लॉस होगी। तो जब एनर्जी लॉस ही नहीं होगी तो सिस्टम के पास उतनी ही एनर्जी होगी जितना कि बाहर से आई होगी, और बाहर से कितनी एनर्जी आती है, जो भी एनर्जी आती है उसे हम क्यू कहते हैं, यानी कि क्यू ही क्या होगी, सिस्टम की एनर्जी होगी, जो कि जिसे हम डेल्टा यू कहते हैं, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को हम डेल्टा यू कहते हैं, और क्यू क्या है, जो बाहर से हीट या एनर्जी आती है सिस्टम के अंदर। तो इंटरनल एनर्जी उतना ही होगा ना जितना बाहर से आया होगा, इस चीज को समझ के रखना अच्छे से, ओके। नाउ ये कंडीशन हो गई जब सिस्टम काम नहीं करता है, और जब सिस्टम काम करता है तब, तो जब सिस्टम वर्क परफॉर्म करेगा तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बट जो अपनी इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी, क्योंकि एनर्जी लॉस करेगा जब वर्क करेगा सिस्टम, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी निगेटिव हो जाएगी। तो यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट समझ गया होगा भाई, जितना काम करेगा अपना सिस्टम उतना ही उसका वर्क होगा, ठीक है, उतनी उसकी एनर्जी होगी। भाई आप उतना ही वर्क परफॉर्म कर सकते हो ना जितनी आपके अंदर एनर्जी होगी, तो एनर्जी इक्वल टू वर्क, बट निगेटिव साइन भी आएगा। वाई, बिकॉज सिस्टम का अगर वर्क परफॉर्म करेगा तो उसकी एनर्जी जो डेल्टा यू रहेगी वो क्या होगी, लॉस होगी, और वर्क पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वर्क सिस्टम कर रहा है तो वर्क पॉजिटिव आएगा ना, कितने बार बता चुका हूं आपको, बट उसकी एनर्जी भी लॉस होगी, इसलिए यहां पे निगेटिव साइन आ गया, ठीक है। चलो इस चीज को ध्यान रखना। नाउ टोटल कितना चेंज होगा एनर्जी, इंटरनल एनर्जी टोटली कितना चेंज होगी, ये बात ध्यान देना अच्छे से, और यही है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है ये, मैथमेटिकली, ठीक है, जहां पे डेल्टा यू है इंटरनल एनर्जी, क्यू है टोटल हीट गेन्ड और टोटल हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, एंड डब्ल्यू इज द वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क परफॉर्म्ड ऑन द सिस्टम। ये बात ध्यान रखना, सिस्टम पे कितना काम किया, सिस्टम ने कितना काम किया, क्यू क्या है टोटल हीट सिस्टम में कितनी आई, या फिर सिस्टम कितनी एनर्जी लॉस कर रहा है बाहर सराउंडिंग में, और डेल्टा यू इस वक्त सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी भरी हुई है। तो यहां पे टोटल कितनी चेंज होगी इंटरनल एनर्जी, ठीक है, तो इतना ही होगा ना, कि देखो सबसे पहली बात कि डेल्टा यू कितना होगा, ये देखो इसको समझो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, डेल्टा यू कितना होगा, यहां पे डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा यू की वैल्यू उतनी ही आएगी जितना क्यू अपने इंटरनल एनर्जी में आया होगा, मतलब एक सिस्टम है अगर आपके सामने, तो आपने जितनी हीट अंदर दी है उतना ही हीट होगी ना अंदर, बट अगर आप बीच में कोई काम भी परफॉर्म कर रहे हो, वर्क भी परफॉर्म कर रहे हो, सिस्टम आपका कोई काम भी कर रहा है, तो हीट लॉस भी हो रही है। तो मान लो आपने 200 अंदर दिया और 100 बाहर चला गया, तो अंदर कितना बचेगा डेल्टा यू, फिर तो 200 माइनस 100 ही बचेगा ना, बिकॉज 200 तो हमने दिया था और उसमें से 100 का काम कर लिया, तो अंदर कितना बचेगा डेल्टा यू, जो भी 100 है वो क्या होगा अपना टोटल इंटरनल एनर्जी। भाई अंदर टोटल कितना बचा, इंटरनली कितना बचा, 100 बच गया। तो यही चीज यहां पे लिखा है, अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा। मान लो आपके सामने एक सिस्टम है, सिस्टम को आपने क्यू दिया, क्यू कितना दिया, 200 दिया, वो हीट होती है टोटल, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से, अब इसमें से कितना बाहर वर्क परफॉर्म कर रहा है, एज अ वर्क कितना बाहर एनर्जी आप यूज कर रहे हो, तो मान लो 100 यूज कर रहे हो, तो अंदर कितना बचेगा, 100 बचेगा ना, 200 माइनस 100, तो क्यू 200 दिया था और वर्क यहां पे 100, टोटल गया जितना, उतना ही यहां पे अपने पास टोटल इंटरनल एनर्जी होगी। और यही होता है वर्क का, यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या रिलेशन देता है, टोटल इंटरनल एनर्जी और कितना वर्क या फिर हीट गेन्ड लॉस हम कर रहे हैं, उसके बीच में रिलेशन देता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये एक कॉन्सेप्ट है, कोई डेफिनेशन नहीं है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक कॉन्सेप्ट है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां तक की जो मैंने अभी आपको बताया है, इस चीज को अच्छे से समझ के रखो, और यहां तक सारे कॉन्सेप्ट को अपने ब्रेन में बिठा लो,
और सारी चीजें आपकी सिंपल होते चली जाएंगी। और इसी इक्वेशन से देखो हम ये भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर, आप लिखो ना लिखो आपके ऊपर है। तो अब आपके ब्रेन में बैठ चुका है कि एग्जैक्टली इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो इंटरनल एनर्जी उतनी ही होगी जितना हम लोग हीट अंदर देंगे, ठीक है, इसीलिए तो U इज इक्वल टू Q होता है। बट ये कब पॉसिबल है, जब अपना वर्क क्या हो, जीरो हो। हमने देखा था ना कि वर्क जब जीरो रहेगा, देखो यहाँ पे वर्क जीरो है, वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर W लाने की जरूरत ही नहीं है। तो वर्क जीरो होगा तो डेल्टा U यानी इंटरनल एनर्जी उतनी ही होगी जितना हम Q अंदर दे रहे हैं, उसमें जितने हीट हम अंदर सिस्टम में दे रहे हैं उतना ही डेल्टा यू होगा, क्योंकि हम काम तो कर ही नहीं रहे तो सिस्टम का कोई एनर्जी बाहर जाएगी नहीं, लॉस करेगा ही नहीं सिस्टम, क्योंकि वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा है। बट अगर सिस्टम वर्क परफॉर्म करेगा तो फिर ये वाला इक्वेशन बनेगा। मान लो कि क्यू एनर्जी आपने अंदर दी थी, फिर उस क्यू में से कुछ का काम कर लिया सिस्टम ने, तो टोटल कितना बचेगा, डेल्टा यू बच जाएगा। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकली स्टेटमेंट, ओके, इस चीज को ध्यान रखना। आप ये भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। चलो तो अभी यहाँ पे इसकी मीनिंग भी समझ लेते हैं कि Q heat is added to the system by Q, तो वही है ना हीट जितना हम दे रहे हैं, its internal energy is increased, अभी हम लोग अगर किसी भी सिस्टम में हीट देंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी ना, बाय एन अमाउंट डेल्टा यू, यस इंटरनल एनर्जी यू होगी, एंड रिमेनिंग लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्क, और जो बाकी का अगर सिस्टम ने काम किया तो वो वर्क के फॉर्म में एनर्जी बाहर चली गई। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मीनिंग यही। तो वर्क क्या है, जितना हम परफॉर्म कर रहे हैं, डेल्टा यू क्या है, इंटरनल एनर्जी, क्यू क्या है, जितना हीट हम सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस चीज को अच्छे से याद रखना। चलो अब इसी कॉन्सेप्ट को, ये फॉर्मूले को कभी मत भूलना, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बस और कुछ नहीं चाहिए, समझ में आया होगा आपको। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, एज इट इज हमको सिर्फ डायग्राम में फोकस करना है, मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीजें बता ही दी है, बस अभी चलो यहाँ देख लेते कुछ चीजें, ठीक है। चलो तो मान लो क्यू एक हीट है और जो हम सिस्टम को दे रहे हैं अंदर, ठीक है, सिस्टम को हमने जब अंदर क्यू दिया तो इनिशियली अपना डेल्टा यू कितना रहेगा, 200 रहेगा। बट अगर अपना सिस्टम 100 जूल का काम कर लिया, वर्ग की भी इन यूनिट जूल ही होती है, न्यूटन भी आप लिख सकते हो, और क्यू हीट है उसका भी जूल हमने लिया है, हीट का यूनिट, यूनिट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी है वो। तो डेल्टा यू कितना होगा इनिशियली, जब अपना सिस्टम कोई काम नहीं करेगा तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू होता है ना, जब हम कोई काम ही नहीं कर रहे हैं तो जितना हीट अंदर दूंगा उतना हीट इंटरनल एनर्जी होगी। बट अगर अभी हम मान लो 100 जूल का वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तो डेल्टा यू कितना होगा, फिर जितना हमने अंदर दिया था सिस्टम में क्यू यू में जितना हमने ऐड किया था और माइनस करेंगे जितने का काम कर लिया, तो 200 हमने ऐड किया था और 100 का काम कर लिया तो 100 आ जाएगी एनर्जी, तो डेल्टा यू कितना आ गया, 100 आ गया। यही देखो यहाँ पे, अब इस वक्त जब हमने 100 का काम कर लिया और 200 ऐड किया था तो सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी कितनी बची, 100 जूल प्लस 100 जूल, यानी कि अभी भी क्या है, डेल्टा यू पॉजिटिव है, इसीलिए डेल्टा यू क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा और यहाँ पे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है। भाई अगर आप लोग 1000 रुपीज कमा रहे हो और ओनली 200 खर्च कर रहे हो हर महीने और आपके पास 800 रुपए बच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप पॉजिटिव कमाई कर रहे हो। तो वही बात है यहाँ पे कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी और ये पॉजिटिव रहेगी, यही बात यहाँ पे बताया है, बस और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंडीशन, अगर मान लो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है, अगर मान लो आप लोग अपना सिस्टम, जो अपना सिस्टम है ये 200 जूल की एनर्जी लॉस कर रहा है, माइनस साइन है ना, माइनस साइन क्या बताता है कि अपनी सिस्टम जो है वो एनर्जी लॉस कर रही है, ये माइनस साइन बताता है। और अगर सिस्टम में एनर्जी आती है तो हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं, इनिशियल बताया था ना स्टार्टिंग में यार, बताया था मैंने, अंदर सिस्टम को कोई चीज दोगे तो वो पॉजिटिव होगी, जो सिस्टम किसी को देगा बाहर तो वो निगेटिव होगी, यहाँ पे देखो निगेटिव है, तो यानी कि सिस्टम 200 एनर्जी लॉस कर रहा है और बाहर से हम सिस्टम में, ध्यान देना अच्छे से, सिस्टम में माइनस 100 जूल का हम काम कर रहे हैं, तो यहां माइनस ही आएगा ना, और एनर्जी हम दे रहे हैं। अब इस चीज को थोड़ा समझो, कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने बार बार आपको बोला है कि जब सिस्टम में हम काम करते हैं, वर्क परफॉर्म करते हैं सिस्टम में, और जब हम हीट देते हैं, हीट और एनर्जी दो अलग अलग, अपना जो यहाँ पे क्यू हीट है और वर्क, ये दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों से सिस्टम से हम एनर्जी लॉस और कम ज्यादा कर सकते हैं, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझना अच्छे से। तो जब हम लोग वर्क सिस्टम में परफॉर्म करते हैं तो वो वर्क निगेटिव होता है,
बट उस वक्त वहां पर जो उसकी एनर्जी होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। बिकॉज जब हम सिस्टम में काम करते हैं, सिस्टम में वर्क परफॉर्म करते हैं, तो अपना वर्क तो निगेटिव होता है बट उसकी हीट क्या होती है सिस्टम की, इंक्रीज होती है, और वो भी पॉजिटिवली। बट अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान देना, सिस्टम से बाहर के लिए वर्क परफॉर्म करते हैं तो वर्क तो पॉजिटिव होगा, बट जब सिस्टम किसी के ऊपर काम करेगा तो वो एनर्जी लॉस करेगा, तो क्यों क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, वर्क हम परफॉर्म कर रहे हैं सिस्टम में, बाहर से सिस्टम में हम काम कर रहे हैं तो वर्क तो निगेटिव ही रहेगा ना, बट एनर्जी क्या होगी, 100 जूल प्लस में रहेगी। ठीक है, ये बात आपको फोकस रखना है। ठीक है, चलो तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू क्या है, -200, डब्ल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, -100। तो क्यू यहाँ पे देखो, अभी -200 और माइनस साइन -100, ठीक है, फिर -200 -100 -100। ठीक है, तो ये क्या आ गया, डेल्टा यू आ गया। क्या है वैल्यू, ये डेल्टा यू की वैल्यू है, और डेल्टा यू कैसा है, निगेटिव आया। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा यू क्या रहेगा, जीरो से छोटा रहेगा, और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। भाई कहने का मतलब क्या है कि जो एनर्जी लॉस किया है सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट वो 200 जूल है, और हम लोग जो एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम को इन द फॉर्म ऑफ वर्क, क्योंकि वर्क जब हम इस सिस्टम में करते हैं, वर्क करते हैं तो हम हीट भी दे रहे होते हैं ना, काम एनर्जी हम दे रहे होते हैं सिस्टम में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो हम लॉस कर रहे हैं 200 जूल और एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम को इन द फॉर्म ऑफ वर्क बाय 100 जूल ओनली। सो जा 200 रहा है और आ 100 रहा है, सो इसका मतलब 100 का लॉस हो रहा है, यानी हम निगेटिव में चल रहे हैं, तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे लॉस होगी और ये डिक्रीज होगी। पूरा बिजनेस है यहाँ पे, सोच लो कॉमर्स का स्टूडेंट अगर होता तो बहुत जल्दी समझ लेता इस चीज को। ओके यार, तो कॉमर्स नहीं है यहाँ पे, हम लोग साइंस के बच्चे हैं और हम उनसे भी धमाल मचाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी जीरो होगी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने पहले भी बोला था कि यार वीडियो नंबर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट था, इसका पार्ट नंबर 2। तो मैं हूं तो सब कुछ है, टेंशन मत लो, डोंट वरी, मैं हूं आपके साथ, जो भी चाहिए, जो भी मुझसे हो रहा है मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए, बहुत दिन रात वीडियोस क्रिएट कर रहा हूं सिर्फ और फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ आपके लिए। तो यार मतलब पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो, बस देखने में कुछ नहीं आता आपका, स्टार्टिंग से देखो ना, फिर नोट्स बनाओ, नोट्स मेरे से लो, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ और पढ़ो, बस पढ़ो, यही आपसे रिक्वायरमेंट है, बार बार यही कहूंगा, पढ़ो बस। ओके चलो, डेल्टा यू इज लेस देन जीरो की बात करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान देना, अगर मान लो, अभी आपको और आसानी से समझ जाएगा, अगर मान लो अपना सिस्टम हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस कर रहा है 200 जूल एनर्जी लॉस कर रहा है अपनी हीट, यहां माइनस साइन फिलहाल लगा दो। ठीक है, और अगर हम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ 200 जूल, तो यहां भी माइनस साइन आएगा ना, बिकॉज हम सिस्टम में काम कर रहे हैं तो वर्क कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा ना, और जब हम हीट लॉस करेंगे सिस्टम से टू द सराउंडिंग तो भी अपना क्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, तो दोनों निगेटिव निगेटिव रहेंगे ना, तो यहाँ पे निगेटिव आना चाहिए, इसने रॉन्ग लिखा है, ठीक है टेक्स्ट बुक में। चलो तो अभी यहाँ पे समझ के रखना अच्छे से, तो अगर मान लो जितना आ रहा है उतना जा रहा है, यहाँ पे देखो हम लोग एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम को इन द फॉर्म ऑफ वर्क बाय 200 जूल, हम इतनी एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम में, और इन द फॉर्म ऑफ हीट हम वही 200 जूल को लॉस भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब जितना आया उतना गया, न घर का न घाट का, दुश्मन अनाज का। तो यहाँ पे डेल्टा यू क्या हो जाएगा, क्यू, क्यू कितना है यहाँ पे 200 माइनस साइन के साथ, और यहाँ माइनस साइन है ही, और -200 गया वर्क के फॉर्म में, तो -200 माइनस माइनस प्लस 200 कैंसल होके जीरो, तो टोटल इंटरनल एनर्जी क्या बचेगी, बैंक के खाते में जीरो रुपया, समझा कि नहीं, जितना आएगा उतना खाओगे तो सब जीरो हो जाएगा, नील, खत्म कहानी इधर ही। ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी, ये कॉन्सेप्ट समझ चुका है आपको, और ये था यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का टोटल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहां तक गाइस हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और यहां तक जितने बार हो सके सेकेंड वाली वीडियो देखने के बाद जितने बार हो सके इस वीडियो को यहां तक जरूर देखना। ओके चलो, अभी हम आगे बढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल क्या होता है, अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ओके चलो, तो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल, वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल क्या होते हैं समझो, जो टेम्परेचर होता है, जो प्रेशर होता है, जो वॉल्यूम है, ठीक है, जो डेंसिटी है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं स्टेट के, मतलब वेरिएबल्स होते हैं किसी भी सिस्टम को जो डिफाइन करता है। अब सिंपल सी बात है, अगर मान लो आपके सामने कोई ऐसा एक सिस्टम है, ठीक है, और सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है,
मतलब उसका हम डिफाइन कर सकते हैं कि सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी ज्यादा है। अगर सिस्टम के पास ज्यादा प्रेशर है या सिस्टम के पास ज्यादा वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ज्यादा है सिस्टम के पास ना, मतलब हम समझ सकते हैं कि सिस्टम का एरिया बहुत ज्यादा है, सिस्टम ज्यादा प्रेशर भी अप्लाई करता है। तो ये सारी चीजें जो वेरिएबल्स होते हैं, ये टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, एरिया, ये सभी इसके सभी वेरिएबल्स होते हैं, सिस्टम को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो हम सीधा कहेंगे कि हो सकता है गैसियस फॉर्म में हो, समझा कि नहीं। अगर मीडियम टेम्परेचर तो लिक्विड फॉर्म में होगा, एकदम जीरो टेम्परेचर तो हो सकता है कि सॉलिड फॉर्म में हो। तो सिस्टम जो होता है उसकी स्टेट को जो डिफाइन करता है, थर्मोडायनेमिक स्टेट को जो डिफाइन करता है, उसे वेरिएबल कहते हैं। आगे इसके बारे में भी और अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी, समझा ना अच्छे से। तो यहां पर ध्यान देना, जो थर्मोडायनेमिक्स होता है ना, ये सिर्फ ये नहीं कि चेंज होता है टेम्परेचर जो सिस्टम का, उसी की स्टडी है। मतलब सिस्टम की टेम्परेचर को हम जब कम ज्यादा हीट दे के वर्क परफॉर्म करके हम जो हीट देते हैं, तो वो जो टेम्परेचर चेंज होता है सिर्फ उतनी ही स्टडी नहीं है, ये गेन और लॉस ऑफ एनर्जी की भी यहाँ पे फंडा होता है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने लॉस किया, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने गेन किया। तो ये बात ध्यान रखना, और एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा बार बार कि यहाँ पे मान लो आपके सामने सिस्टम है, और याद रखो सिस्टम में एनर्जी दो तरीके से आती है, एक तो डायरेक्टली आप क्यू ऐड कर दो, और एक तो आप जब वर्क परफॉर्म करो सिस्टम में, जब आप सिस्टम में कोई वर्क परफॉर्म करोगे तो उसके पास क्या आएगी, एनर्जी आएगी वर्क। तो जब आप सिस्टम में काम करोगे तो ये भाई गलत बात है, सिस्टम को प्रायोरिटी देनी होती है ना, तो सिस्टम में हम खुद काम कर रहे हैं तो ये काम निगेटिव काम होगा, बट इससे एनर्जी सिस्टम को मिलती है। और वो एनर्जी कैसी होगी, तब एनर्जी जब सिस्टम को मिल रही है तो फिर एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी ना, पॉजिटिव हो जाएगी एनर्जी। बट अगर क्यों एनर्जी को हम दे रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं। तो जब कभी भी सिस्टम में एनर्जी आती है तो वो पॉजिटिव ही होती है, और दो तरीके से आती है, एक तो हीट डायरेक्टली ऐड कर दो, या तो फिर सिस्टम के ऊपर वर्क परफॉर्म करो, तो उस टाइम पे वर्क तो निगेटिव होगा क्योंकि हम सिस्टम में काम कर रहे हैं, बट एनर्जी जो जा रही है वो तो एनर्जी जा रही है ना सिस्टम में, इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ेगी तो ये इंक्रीज होगा। और लॉस करने के भी दो तरीके हैं, अगर सिस्टम वर्क लॉस करता है या फिर सिस्टम किसी पे वर्क परफॉर्म करता है। तो जब अपना सिस्टम खुद काम करेगा तो ये पॉजिटिव वर्क होगा, बट जब सिस्टम काम करेगा तो फिर एनर्जी लॉस होगी तो वो निगेटिव रहेगा, इंटरनल एनर्जी निगेटिव हो जाएगी, और हीट भी लॉस होगी तो ये भी निगेटिव ही रहेगा, बिकॉज डायरेक्टली हीट लॉस हो रहा है। तो ये सिस्टम के दो फंडे यहाँ पे जो दिए हैं ना, ये याद रखो अच्छे से, यही है जो कंफ्यूज कर देता है, थर्मोडायनेमिक्स के पढ़ने में बच्चों को प्रॉब्लम दे देता है, यही चीज है। इसीलिए मैं इसी चीज को बार बार बताता हूँ, सेकेंड वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया, और अभी फिर से बता दिया, जिससे कि आपको भूले ना, और फिर से आप थर्मोडायनेमिक पढ़ लो तो आपको सब समझ जाएगा। ओके, फर्स्ट लॉ पढ़ लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, और यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल, सिस्टम वेरिएबल वही टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी ले लो, मास वाले भैया, तो मास ऑफ सिस्टम सब ले लो। ठीक है, तो ये क्या होता है, वेरिएबल जो सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करती है, यानी सिस्टम के करेक्टर को या सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं जो, उसे हम सिस्टम वेरिएबल कहते हैं। ऑल मेजरेबल होते हैं, ये टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हो, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास सबको मेजर कर सकते हो, तो सारे वेरिएबल मेजरेबल होते हैं, मेजर कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। ओके चलो, और यही जो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम क्या है, तो जो वेरिएबल होता है ना सिस्टम का, वेरिएबल्स यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, यार वेरिएबल जब जब बोलो तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास, यही याद रखो, यही है वेरिएबल। तो जो सिस्टम के जो वेरिएबल होते हैं, यही क्या होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, मतलब यही प्रॉपर्टी है ना यार, टेम्परेचर ज्यादा कम ज्यादा है तो कोई प्रॉपर्टी है सिस्टम की, प्रेशर कम ज्यादा है, वॉल्यूम कम ज्यादा है, डेंसिटी कम ज्यादा है, यही क्या है, प्रॉपर्टी की सिस्टम, मतलब जो होता है सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, यही वेरिएबल्स। ठीक है, और ये ओनली एंड ओनली इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होते हैं, डिफाइंड होते हैं, सारे सिस्टम्स अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिफाइन करवाते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर। ओके, इस बात को ध्यान रखना अच्छे से, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही हम वेरिएबल को मोस्टली अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सिस्टम के वेरिएबल होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, यानी कि वही जो टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह ये सब जो होते हैं, ये दो टाइप के हैं वेरिएबल, एक होता है इंटेंसिव वेरिएबल, एक होता है एक्सटेंसिव वेरिएबल। जो इंटेंसिव वेरिएबल होता है ये सिस्टम के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। मान लो अगर आपके सामने एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर कोई चीज रखी हुई है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, गैस, लिक्विड, कुछ भी मान लो आप लोग, इसके जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, तो इनका साइज कुछ भी रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है,
सख्त है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है वेरिएबल को, इंटेंसिव वेरिएबल को। तुम छोटी साइज वाला लेके आओ, बड़ी साइज वाला लेके आओ, हम सबको संभाल लेंगे, ठीक है। तो कैसा भी साइज रहने दो अंदर का, इसको कैसा भी साइज रहने दो अंदर के अपने सिस्टम का, लेकिन वेरिएबल्स से को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो प्रॉपर प्रॉपर्टी अपनी दिखाएंगे, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर्टी दिखाएंगे। बट व्हाट अबाउट एक्सटेंसिव वेरिएबल, ये क्या होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द साइज। अगर साइज ज्यादा है तो फिर अपना वेरिएबल मे बी चेंज, अपना वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, यानी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब चेंज हो सकते हैं, क्योंकि ये साइज के ऊपर डिपेंड करती है, इस बात को ध्यान रखना। ऐसे को हम एक्सटेंसिव वेरिएबल कहते हैं, ओके। चलो चलो कुछ चीजें और समझ लेते हैं कि अभी भाई हमने देखा कि जो वेरिएबल्स है वो एक्यूरेट वैल्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही देते हैं। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो हमने बोला भी था इसके पहले वीडियो नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है ये क्या करता है कि जितनी भी ये मतलब ये अपना सिस्टम है और ये अपना सराउंडिंग है, तो जितनी भी हीट सराउंडिंग के पास है उतनी हीट सिस्टम के पास होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, और इसी चीज को हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीट की इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की हम ट्राई करते हैं। तो कब कह सकते हैं कि कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि हम कह दें कि हाँ भाई ये सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो हम सिर्फ तभी कह सकते हैं जब ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, ये तीनों टाइप के जो इक्विलिब्रियम है, ये तीनों टाइप के इक्विलिब्रियम किसी एक सिंगल पार्टिकुलर अपने सिस्टम को सेटिस्फाई करें। यानी कि जब कोई सिस्टम में मैकेनिकल भी इक्विलिब्रिया मेंटेन्ड हो, केमिकल इक्विलिब्रिया भी मेंटेन्ड हो, थर्मल इक्विलिब्रिया भी मेंटेन्ड हो, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई अपना वो सिस्टम थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। समझा कि नहीं, यही चीज यहां पे लिखा है। तो कब कहोगे कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में अपना सिस्टम है, जब उस सिस्टम की मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी मेंटेन होगा, वो सिस्टम में केमिकल इक्विलिब्रियम भी मेंटेन होगा, एज वेल एज थर्मल इक्विलिब्रियम भी मेंटेन होगा, तो हम कहेंगे कि अपना सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ओके। तो कब कहेंगे कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली क्या होता है, तो ध्यान देना अच्छे से। व्हेन देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स विद इन सिस्टम एंड बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग, कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा। मैकेनिकल मतलब क्या, मशीन, यानी कि बाहर से कोई फिजिकली, ठीक है, ऐसा कुछ। तो जब और जो भी हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फिजिक्स में पढ़ा है कि वो अनबैलेंस फोर्स होता है। तो कोई भी अनबैलेंस फोर्स या तो हम सिस्टम में अप्लाई कर रहे हैं या तो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये अनबैलेंस फोर्स होना ही नहीं चाहिए। अगर ये अब्सेंट हो तो हम कहेंगे कि अपना सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ अनबैलेंस फोर्स, कोई बाहर से अनबैलेंस फोर्स ही नहीं है, तो अपने सिस्टम जो कंडीशन में है वो कंडीशन से वो हटेगा ही नहीं, परफेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। और अगर अनबैलेंस फोर्स आ गया तो अपना जो बैलेंस्ड कंडीशन थी वो अनबैलेंस हो जाएगी, यानी कि वो फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से हट जाएगा, ठीक है। तो फिर इक्विलिब्रियम कैसे रहेगा अगर हम बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो? तो अगर हम कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है किसी भी सिस्टम में या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो वो क्या होगा, ऐसे सिस्टम को हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में कह सकते हैं। एक और कंडीशन है प्रेशर के लिए कि अगर थ्रू आउट द सिस्टम और सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में जो भी अपना प्रेशर है वो परफेक्टली मेंटेन्ड हो, ना ज्यादा ना कम, तो भी हम कह सकते हैं कि अपना सिस्टम मैकेनिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। चलो नाउ व्हाट अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम ये बात करता है कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर की, कोई सिस्टम है अगर तो उसके अंदर कितना मैटर है। तो हमने देखा था ना कि आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, ओपन सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता था, ना तो हीट ट्रांसफर होती थी ना ही मैटर ट्रांसफर होता था, ठीक है। तो वही चीज केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़नी है, और यही चीज हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, ओके। तो नाउ व्हेन अ सिस्टम कॉम्पोजिशन ऑफ अ मैटर सेम थ्रू आउट द सिस्टम एंड डज नॉट चेंज विद द टाइम, जब कोई भी सिस्टम के अंदर जो मैटर प्रेजेंट है वो कभी चेंज नहीं होगा, मान लो 100 ग्राम था मैटर तो 100 ग्राम ही रहेगा, ठीक है। तो सिस्टम जो होता है उसका मैटर कभी चेंज नहीं होने वाला है। और when there is no reaction giving inside the system, मतलब कोई सिस्टम के अंदर रिएक्शन नहीं हो रहा हो,
तो हम कहेंगे कि वो सिस्टम जो अपना है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये हीट से रिलेटेड है। When temperature of a system is uniform throughout the system and does not change with the time, मतलब कि जो टेम्परेचर वो किसी भी सिस्टम का, ये सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बहुत सारे भरे हुए हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, थ्रू आउट द टाइम ये कॉन्स्टेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और केमिकल के लिए जो यहाँ पे ये मैटर प्रेजेंट है, ये मैटर कभी चेंज नहीं होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम में है। और अगर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर अगर बाहर से ना कोई और ना ही अंदर से बाहर के लिए कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर गया, यानी ना तो इसमें कोई अनबैलेंस फोर्स हो, इसका प्रेशर कॉन्स्टेंट हो, इसका मैटर फिक्स हो, इसके अंदर जो हीट है वो फिक्स हो, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम जो है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखना अच्छे से। चलो आगे का स्टेप पढ़ते हैं कि थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है पहले ही बता देता हूं आपको मैं। देखो यहां पे इक्वेशन ऑफ स्टेट, ध्यान देना कि जो अपने पास वेरिएबल होती है, स्टेट वेरिएबल यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, यहां पे जो अपने पास फोर्स है, ये सारी चीजें, जो प्रेशर वेरिएबल है, टेम्परेचर है, ये सब प्रेशर वेरिएबल, यहाँ पे जो स्टेट वेरिएबल, तो स्टेट वेरिएबल को इक्वेशन के फॉर्म में जो हम डिफाइन करते हैं ना, उसे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। और वो होता है पी वी इजल टू एनआरटी। ये एक देखो प्रेशर है, वॉल्यूम है, एन मीन्स नंबर ऑफ मोल, आर तो कॉन्स्टेंट होता है, टी इज द टेम्परेचर। तो ये सारे हैं क्या, वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल। और ये क्या डिफाइन करते हैं, ये डिफाइन करते हैं अपने स्टेट के पूरे फंक्शनैलिटी को, स्टेट्स के बिहेवियर को, स्टेट जो अपना सिस्टम होता है उसके कैरेक्टर को, उसको डिफाइन करती है। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, जो वेरिएबल स्टेट को डिफाइन करता है, स्टेट वेरिएबल को डिफाइन करता है, यानी कि जो सिस्टम है उसकी स्टेट को कौन डिफाइन करता है, वेरिएबल, और उसे हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल। और इस स्टेट वेरिएबल को जो डिफाइन करता है, जो इक्वेशन डिफाइन करता है, उस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं, यानी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, समझ गया आपको। अब यहाँ पे थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। चलो तो कुछ चीजें जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मान लो अभी देखो, कब हम कह सकते हैं कि कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तो हमने अभी अभी देखा भाई कि अगर वो मैकेनिकल, अगर वो थर्मल, और अगर ऐसे ही जो अपना था यहाँ पे एक और लास्ट वाला था केमिकल, ठीक है, तो केमिकल कंडीशन, तीनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता हो, तीनों कंडीशन के इक्विलिब्रियम में हो, तो हम कह सकते हैं कि वो अपना थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है अपना सिस्टम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, पहले से मिला था प्रेशर, दूसरे से मिला यहाँ पे थर्मल से, थर्मल वाले से मिला था हीट, ठीक है, और सी वाले से मिला था जो केमिकल था, उससे हमको मिला था कि मैटर के बारे में। तो ये तीनों चीजें अगर कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि अपना थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। बट क्या ऐसा हर वक्त पॉसिबल है? मान लो अगर आपके सामने बॉल है, फुटबॉल है सॉकर की, और उसके अंदर मान लो गैस भरी है, थोड़े टाइम बाद अपने आप उसकी गैस बाहर रिलीज होगी, तो स्टार्टिंग में तो उसका जो प्रेशर होगा वो फिक्स रहेगा, बाद में उसका प्रेशर कम हो गया, उसके अंदर जो गैस के मैटर थे वो मैटर पहले फिक्स थे, अब गैस के मैटर बाहर चले गए, तो उस गैस के जो फुटबॉल थे उसके अंदर जो गैसेस मैटर थे वो भी क्या हो गए, कम हो गए। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो जिसे हम ऐसा कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इसीलिए यहां पर ध्यान देना अच्छे से कि कुछ ऐसे भी सिस्टम होते हैं विच Not in equilibrium cannot be described in terms of state variable. जो कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्टेट वेरिएबल की कंडीशन में, यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनमें ये डिफाइन ही ना होते हों, ऐसे भी कुछ स्टेट होते हैं। और अब तक हम कौन सी कंडीशन पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर रहे थे, कि अगर उनका स्टेट वेरिएबल यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और जो भी है डेंसिटी, तो ये सब के सब कॉन्स्टेंट रहा, या फिर मैटर हो गया, ये सब के सब अगर कॉन्स्टेंट रहा, तो हम कह सकते हैं कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, यानी कि प्रेशर यानी मैकेनिकल अपना इक्विलिब्रियम, हीट मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम, मैटर मींस केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये सब अगर इक्विलिब्रियम में है, मतलब अपना जो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ऐसा हम कह सकते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, स्टेट वेरिएबल कॉन्स्टेंट है तो अपना थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है।
एयर के केस में ऐसा नहीं होता है, एयर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है, ठीक है, एयर का मैटर जो है वो क्या होता है ट्रांसफर होते रहता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो इसकी कंडीशन में ऐसा नहीं कह सकती। तो यही पॉइंट था, और इन सारे वेरिएबल को जिस भी इक्वेशन से हम दिखाते हैं उसे इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। चलो अब यहां पे हमको थोड़ी चीज समझनी है, इक्वेशन ऑफ स्टेट में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये क्या होते हैं, पी वी टी क्या होते हैं, प्रेशर होते हैं, वॉल्यूम होते हैं, टेम्परेचर होते हैं, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स था, आर क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है, ये सारी चीजें ठीक है, ध्यान देना भी अच्छे से। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट कुछ वेरिएबल्स लाइक टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, ये कुछ इंडिपेंडेंट यहाँ पे अपने पास वेरिएबल्स होती हैं, ये सारे अपने पास स्टेट के पास होती है, चाहे लिक्विड ले लो, गैस ले लो, प्रेशर ले लो, कोई भी अपना मतलब कोई भी तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर ले लो, इनके ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वाई? बिकॉज ये तीनों में होती है, सॉलिड का भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर, वॉल्यूम और यहाँ पे प्रेशर रहेगा ही रहेगा, तो पी वी टी ये तीन चीजें याद रखना अच्छे से, ये सबके होते हैं तभी, चाहे वो सॉलिड लो, गैस लो, लिक्विड लो, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, इनको ग्राफिकल मेथड से हमको समझना है, ठीक है। तो पहले हम पी एंड वी का, फिर पी एंड टी का, फिर वी एंड टी का, इस तरीके से हम ग्राफ देखेंगे। पहला पीवी ग्राफ देखेंगे जिसे हम पीवी डायग्राम कहते हैं, रिलेशन यानी कि यार प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन। तो यहां पे हम देखो प्लॉट कर रहे हैं, एक तरफ वी यानी वॉल्यूम, एक तरफ प्रेशर को प्लॉट कर दिया हमने, और यहाँ पे देखो दो पॉइंट से ले लिए वॉल्यूम एंड प्रेशर का, यहाँ पे थोड़ा अच्छे समझना। और इसके बीच में यहाँ पे जो भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये अंदर का क्या फॉर्म जो ये शेडेड एरिया में बना रहा हूं, ये अपना एरिया है, और एरिया ये उतना ही एरिया है जितना कि वर्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, वर्क इतना हम कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज अब ध्यान देना अच्छे से, अगर पी और वी का रिलेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर ज्यादा इंक्रीज करोगे, ये प्रेशर है, प्रेशर ज्यादा बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा क्योंकि इनवर्सली है, प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इस बात को ध्यान रखो अच्छे से। तो प्रेशर अगर यहां पे अपने इस यहां पे अच्छे से ध्यान देना, अगर मान लो आप लोग प्रेशर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर प्रेशर डिक्रीज करते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो यही चीज है ना, ध्यान दो अच्छे से। प्रेशर ये वाला क्या है, लाइन प्रेशर का है, यानी ऊपर की तरफ हम प्रेशर के लिए जाते हैं, यहां पे रहेगा तो प्रेशर ज्यादा है, यहां पे रहेगा तो प्रेशर कम है। देखो जरा ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे, ये पॉइंट ज्यादा है ना, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहेगा और यहाँ पे प्रेशर कम रहेगा, तो जब प्रेशर बहुत कम है तो, और देखो ये वॉल्यूम का है, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा रहेगी, यहाँ पे वॉल्यूम कम रहेगी, क्योंकि ये जीरो है, फिर ऐसा वन टू थ्री ऐसे बढ़ता है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पे वॉल्यूम कम है। तो ध्यान दो, जब प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे कम है, वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। देखो ना यहाँ पे वॉल्यूम कितनी ज्यादा है, यहाँ पे वॉल्यूम कम होती है, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा होती है, बट प्रेशर क्या है, ऊपर की तरफ प्लॉट है ना, तो ऊपर की तरफ जो यहाँ पे प्रेशर है ये ज्यादा रहेगा और नीचे प्रेशर कम रहेगा, तो यहाँ पे प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, और जब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कम है। देखो ना वॉल्यूम कहाँ पे, यहाँ पे है, देखो ये वॉल्यूम रही, ठीक है, और प्रेशर यहाँ पे है, तो जब प्रेशर मैक्सिमम तो वॉल्यूम यहाँ पे कम, ठीक है, बट जब प्रेशर लेस तो यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा, समझा कि नहीं, तो इस चीज को थोड़ा अच्छे से याद रखो। और बीच में जो चीज मिल रही है वो अपने को एरिया है, प्रेशर और वॉल्यूम से, ठीक है, पी और डीवी, ये हमने एक रिलेशन देखा था जो क्या था कि वर्क डन का रिलेशन था, पी डीवी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये थोड़ा सा पढ़ा था, पी डीवी इज इक्वल टू वर्क डन होता है, यानी कि कितने अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में आप कितना प्रेशर अप्लाई करते हो, या फिर प्रेशर की वजह से कितना वॉल्यूम चेंज होता है, ये टोटल क्या होता है, वर्क होता है, ठीक है, तो और कितना मान लो, अब यहाँ पे वही है, और जब प्रेशर हम अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम चेंज होता है, तो पहले कितना था बाद में कितना था ये हमने देखा था, ठीक है, तो इनिशियली मान लो वी आई है, बाद में वी एफ बन गया, टोटल वर्क कितना परफॉर्म हुआ, डीडब्ल्यू, डीडब्ल्यू की वैल्यू होती है पीडीवी, और वी आई से लेके यहाँ पे वी एफ तक आप जाओगे, ठीक है, तो यही रिलेशन है। और जो यहाँ पे ये एरिया है, ये एरिया क्या शो करता है, यही अपना टोटल वर्क परफॉर्म करता है, मतलब कितना वर्क परफॉर्म हुआ, ये अपना एरिया बताता है। अभी हम अगले आगे के डायग्राम में इनको अच्छे समझेंगे, डोंट वरी, ठीक है, अभी इसी चीज को समझोगे। तो ये था फिलहाल पीवी डायग्राम, ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, इसी पीवी डायग्राम में ज्यादा एनालिसिस हम करेंगे, ओके, चलो ध्यान देना। तो अगर मान लो अब यहां पे वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, यहां पे वॉल्यूम कम रहेगा, प्रेशर ऊपर की तरफ प्लॉट किया है तो नीचे की तरफ प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा, ऊपर प्रेशर ज्यादा रहेगा। यहां पे ध्यान दो, जब हम प्रेशर इनक्रीज, यहां पे डिक्रीज कर रहे हैं प्रेशर, ऊपर ज्यादा प्रेशर, नीचे प्रेशर कम, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं ना हम, तो जब हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम देखो ना इंक्रीज हो गया है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ है, प्रेशर जैसे जैसे हम डिक्रीज करेंगे, और डिक्रीज करते क्या, और डिक्रीज करेंगे तो यहां पे आता, तो वॉल्यूम देखो यहां पे ज्यादा होगा,
समझा कि नहीं। तो या जैसे मान लो ये जीरो है यार, ये वन है, ये टू है, ऐसे प्लॉट करोगे ना तो यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, फोर फाइव समथिंग कुछ आएगा, और डिक्रीज करोगे तो ये और यहाँ पे आ जाएगा, समझा कि नहीं। तो वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम घटाओ, ऐसे होता है ना, चलो याद रखना अच्छे से। तो यहाँ पे अगर प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। और एक कंडीशन हमने देखी थी कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ध्यान देना अच्छे से, वर्क के लिए ये एक कंटेनर है मान लो, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब अपना जो वर्क है, वर्क गैस सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि हमने देखा था ना सिलेंडर था अपने पास, पिस्टन था यहाँ पे, पिस्टन था और गैस क्या कर रही थी, यहाँ पे गैस अप्लाई कर रही थी पिस्टन में, अपना वर्क जो गैस था, सिस्टम था, जो सिस्टम था, जिस सिस्टम अपना वर्क परफॉर्म कर रही थी पिस्टन में, और पिस्टन दूर भाग रहा था तो अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, यानी गैस एक्सपांड हो रही थी, इसका मतलब सिस्टम काम कर रहा है। तो यहां से क्या सीखा कि अगर वर्क यहां पे प्रेशर बढ़ रहा है, अगर यहां पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, अगर प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रही है, यहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, वॉल्यूम देखो इंक्रीज हो रहा है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है यानी कि गैस का जो वॉल्यूम है, वो जो गैस का एरिया है वो एक्सपांड हो रहा है, यानी कि सिस्टम अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है, ना कि सिस्टम में काम हो रहा है, ठीक है। तो सिस्टम खुद वर्क परफॉर्म कर रहा है, यानी सिस्टम जब वर्क परफॉर्म करता है, सिस्टम अपना वर्क परफॉर्म करता है तो वो वर्क पॉजिटिव होता है, और इसीलिए यहाँ पे जीरो से ज्यादा वैल्यू आई। और जो ये शेडेड एरिया है ये क्या है, वर्क का टोटल वैल्यू बता रहा है, वी वन से लेके वी टू, इनिशियली वी वन था, बाद में जो बढ़ा तो वो वी टू हो गया, तो वो एक एरिया है, और पीडीवी क्या है, जो उसकी वैल्यू होती है। तो ये बात को थोड़ा याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। समझा अच्छे से ग्राफ, आपको कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक कभी, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, तो कभी भी याद रखो अगर वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है इसका मतलब अपना कोई दबा रहा था ना अपने सिस्टम को, तो सिस्टम ने क्या किया, फटाफट अपने आप को सिस्टम ने क्या किया, वर्क परफॉर्म किया, और जब सिस्टम वर्क परफॉर्म करेगा तो उसकी जो वॉल्यूम होगी अंदर की, जो गैस होगी वो एक्सपांड होगी, तभी ना दूसरे पे वो वर्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो जब एक्सपांड होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और एक्सपांड हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब कि अपना सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रहा है, और जब सिस्टम काम कर रहा है यानी कि वो वर्क पॉजिटिव वर्क होगा, और इसीलिए देखो यहां से जीरो से बड़ा है। इसके लिए देखते हैं, अब देखो इनिशियल, यहां देखो वन दिया है ना, यहां पे टू दिया है, इनिशियली अपना प्रेशर कम था फिर प्रेशर ज्यादा हो गया, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगी, यहां पे डिक्रीज होगी, और जब वॉल्यूम डिक्रीज होगी प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, यानी कि वॉल्यूम देखो कम होगा यहां पे, और जब वॉल्यूम कम होगा इसका मतलब अब हम पिस्टन पे काम कर रहे हैं, यानी कि अब हम पिस्टन पे फोर्स लगा रहे हैं, पिस्टन अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि पिस्टन अपने गैस में वर्क परफॉर्म कर रहा है, अब सिस्टम काम नहीं कर रहा है, अब सिस्टम में काम हो रहा है, सिस्टम के ऊपर, वी आर वर्किंग अपॉन द सिस्टम, सिस्टम अब काम नहीं कर रहा है, सिस्टम किसी के ऊपर काम नहीं कर रहा है, अब हम खुद सिस्टम में काम कर रहे हैं, समझा कि नहीं, सिस्टम के ऊपर काम वर्क अप्लाई कर रहे हैं। तो जब सिस्टम में वर्क अप्लाई होगा तो अपना वर्क निगेटिव होता है, क्योंकि जब सिस्टम काम करे तो अलग ही मजा है, सिस्टम पॉजिटिव होता है जब वर्क काम करता है, और सिस्टम में कोई काम करे तो वो वर्क निगेटिव होता है सिस्टम के लिए, ठीक है, क्योंकि हमेशा सिस्टम ट्राई करता है कि वो खुद वर्क परफॉर्म करे, सिस्टम ट्राइज टू एक्सपांड इटसेल्फ, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से ऑलवेज, और इसीलिए वो वर्क करता है और वो वर्क पॉजिटिव वर्क कहलाता है, क्योंकि सिस्टम ने अपने आप को एक्सपांड करने के लिए काम किया इसके लिए, ठीक है। तो यहां पे जो वर्क है ये निगेटिव होगा, ठीक है, और इसीलिए देखो यहां पे जीरो से लेस है, क्योंकि प्रेशर अगर कम, यहां पे देखो ध्यान देना, प्रेशर अगर ज्यादा होगा यहां पे तो वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होगी, और वॉल्यूम जब डिक्रीज हो रही है इसका मतलब कि हम पिस्टन में बाहर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं हम, प्रेशर बढ़ रहा है तो मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो अंदर की गैस कॉम्प्रेस हो रही है, और जब अंदर की गैस कॉम्प्रेस हो रही है तो यहां पर क्या हो रहा है, वर्क तो परफॉर्म हो रहा है सिस्टम में, लेकिन वो वर्क निगेटिव है, इसीलिए यहाँ पे जीरो से लेस ले लिया है हमने, ठीक है। और ये वर्क क्या होगा, यहाँ पे जो वर्क रहेगा वो जीरो से छोटा यानी निगेटिव वर्क कहलाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और ये बात तो हमको पता ही ना कि अगर हम वर्क सिस्टम में करते हैं तो एनर्जी सिस्टम को मिलती है, बट वो एनर्जी निगेटिव हो, एनर्जी पॉजिटिव रहेगी और वर्क निगेटिव रहेगा, क्योंकि सिस्टम में अगर एनर्जी आई तो वो एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव एनर्जी, चाहे कहीं से भी आई, और सिस्टम से अगर एनर्जी गई तो वो निगेटिव होती है, यहाँ पे वर्क के फॉर्म में एनर्जी अंदर जा रही है तो एनर्जी तो पॉजिटिव रहेगी बट वर्क निगेटिव रहेगा, व्हाई, बिकॉज हम सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो ये ग्राफ को इस तरीके से रिलेट करके पढ़ोगे ना फायदे में रहोगे। एक और समझते हैं अच्छे से, इनिशियली अपना प्रेशर जितना था बाद में भी उतना ही है,
सिंपल से कोई कहने की बात है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट ही रहेगा ना। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जितना प्रेशर है उतना ही वॉल्यूम है। ना ही आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो ना ही डिक्रीज कर रहे हो, तो फिर वॉल्यूम भी इंक्रीज डिक्रीज थोड़ी होगा, उतना ही रहेगा ना। तो इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। तो यहाँ पे कोई भी चीज इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो हमको इंटीग्रेशन लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा सा जितना वी टू था माइनस वी वन कर दो, और पी है यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बट कुछ तो वॉल्यूम रहेगा ना। अभी मान लो ये सिस्टम है तो इसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम है ना, हम इसमें कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है। इसकी गैस भी कुछ ज्यादा यहाँ पे जो एक्सपांड या डिक्रीज कुछ नहीं हो रही एरिया, बट कुछ तो इसका वॉल्यूम इनिशियली है, तो वही वॉल्यूम के लिए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और ये वैल्यू हमेशा जीरो से ज्यादा आती है, अब ट्राई करके देख लो, इनिशियली यहाँ पे वैल्यू जीरो से ज्यादा आएगी, करके देख लो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क पॉजिटिव रहेगा, अपना वर्क पॉजिटिव परफॉर्म होगा, बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट है, कोई प्रेशर हम अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं पिस्टन में से, मान लो ये आपका सिलेंडर है और यहाँ पे ये पिस्टन है, तो पिस्टन से हम जब कोई काम ही नहीं कर पा रहे अंदर की तरफ, यहाँ पे हम लोग कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो जहां पे अपना ये पिस्टन है, जहां पे जिस कंडीशन पे पिस्टन है उसी कंडीशन पे रहेगा, तो जो भी वॉल्यूम अंदर चेंज हुआ था इसके पहले वो उतना का उतना ही रहेगा। तो उसके लिए वर्क तो परफॉर्म यहाँ पे कुछ भी, मतलब अगर मैं तो कहूं कि हुआ ही नहीं है, बट अगर जो ऑलरेडी कांस्टेंट वर्क है वो तो था ना पहले वाला, अभी हमने कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया, बट इनिशियली कुछ ना कुछ तो पिस्टन लगा है तो वर्क तो हो रहा है। मान लो आपने यहाँ पे कोई भी ग्लास भी ले लिया और यहाँ पे आप ऊपर से पिस्टन लगा भी दिए, तो भले आपने लगाया तो है ना पिस्टन, अगर आप पिस्टन हटाओगे तो ये पूरी गैस बाहर आएगी कि नहीं आएगी, आप कोई फोर्स प्रेशर यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे हो, चलता है, बट बस आप अगर लगा के भी रखे हो तो थोड़ा वर्क तो आप कर रहे हो, यानी वर्क पॉजिटिव है क्योंकि आप यहाँ पे वर्क परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। मतलब आपका जो गैस है वो हल्का हल्का वर्क परफॉर्म कर रही है, तो यहाँ पे वर्क पॉजिटिव होगा, ये बात ध्यान रखना। और ये शेडेड एरिया क्या दिखा रहा है, वर्क एरिया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, जो एरिया है वो वर्क को शो कर रहा है। तो ये था पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। इसके बाद वाले वीडियो जो आएगी उसमें हम पढ़ने वाले थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। टोटल 6 टाइप्स के प्रोसेस हम देखेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हम देखेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, 6 टाइप के प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो रहेगा, तो डोंट मिस दैट वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो को यार प्लीज बोलता हूं ना, शेयर कर दो, सभी तक पहुंचा दो ना, जहां भी हो सके इस वीडियो को लिंक को भेजो, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज देखो आप सबको पता है कि शेयर करोगे तो सब देखेंगे, और सब देखेंगे तो मेरा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार चलो देखते तो है लोग, सपोर्ट कर रहे हैं लोग, तो फिर मुझे बनाने चाहिए और भी वीडियो, तो अच्छा लगता है ऐसा सुन के, ठीक है, देख के भी, ठीक है। तो शेयर जरूर करना, मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यहां पे कॉन्टेक्ट करके आप नोट्स वगैरह ले सकते हो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।